नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विथालो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के बैच में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक बार फिर प्रमोशन वीडियो में आऊंगा, और मुझे इस बात का बेहद दुख हुआ है कि आप लोग मैसूर राज के बारे में नहीं पढ़े। ठीक है, मैसूर राज का प्रमोशन वीडियो गया है, इसलिए मैं सोचा आपको एक क्रम दे दूं। जैसे मैसूर राज हो गया, आज आंग्ल सिख युद्ध के बारे में आपको बताऊंगा, तो मैसूर राज को देख लीजिएगा और आंग्ल सिख दोनों पढ़ लीजिएगा। दोस्तों देखिए, संधियों के बारे में सवाल पूछा जा रहा है आजकल, और अभी आपने देखा होगा एपीओ का एग्जाम हुआ था या लास्ट पीसीएस का एग्जाम हुआ था, जो भी एग्जाम हुए थे, संधि को मिलाप में या कूट में जरूर पूछ रहा है। ठीक है, जनरली अगर आंग्ल सिख युद्ध की बात की जाए तो आंग्ल सिख युद्ध तो फिर हमको गुरु नानक से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे फिर 10 सिख गुरुओं के बारे में बताना पड़ेगा, फिर बंदा बहादुर के बारे में, फिर रणजीत सिंह के बारे में। लेकिन जब 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में, तो यह कहा गया था कि सतलज नदी के दक्षिण तक के हिस्से पर किसका अधिकार रहेगा? रणजीत सिंह का। दक्षिण तक कहने का मतलब क्या कि सतलज नदी के इधर जब भारत का पोर्शन आएगा तो वहां पर रणजीत सिंह कभी भी अधिकार नहीं कर सकते, केवल दक्षिण तक उनका अधिकार रहेगा, उसके बाद उत्तर पूरा पश्चिम उनको जितना साम्राज्य बढ़ाना है बढ़ाएं, लेकिन सतलज नदी के ऊपरी हिस्से की तरफ। मुद्दा यह हुआ कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में संबंध हमेशा अच्छे बनाने की कोशिश की रणजीत सिंह जी ने, लेकिन अंग्रेजों ने कभी उनकी बातों को नहीं माना। लेकिन जो आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि उठेगी वो यहां से नहीं उठेगी, वो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उठेगी। जब पक्षघात के कारण रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि रणजीत सिंह के पुत्र खड़क सिंह को गद्दी पर बैठाया गया, और खड़क सिंह का जो वजीर हुआ वो था ध्यान सिंह। लेकिन कुछ समय बाद विद्रोह होने के कारण साम्राज्य में खड़क सिंह को हटाकर ननिहाल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया। ननिहाल सिंह जो था वो एक अच्छा शासक था, साम्राज्यवादी शासक था। वो चाहता था कि जो उसके दरबार में डोगरा बंधुओं का जो शासन चल रहा है, डोगरा बंधु में गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुच्चा सिंह थे, ठीक, तो उसने यह सोचा कि डोगरा बंधुओं के अस्तित्व को समाप्त करके हम क्या करें, अपने साम्राज्य की पुनः स्थापना करें। लेकिन दुर्भाग्यवश ननिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई, उसके बाद राजमाता चांद कौर गद्दी पर बैठी। लेकिन कुछ समय बाद डोगरा बंधुओं ने क्या किया कि चांद कौर को हटाकर शेर सिंह को गद्दी पर बैठा दिया, जो रणजीत सिंह का एक और पुत्र था, और उसका जो उसके बाद जब शेर सिंह गद्दी पर बैठा तो फिर अजीत सिंह ने क्या किया, शेर सिंह और ध्यान सिंह की हत्या कर दी, और जिसके बाद एक रणजीत सिंह का अल्पवयस्क पुत्र दलीप सिंह गद्दी पर बैठा और उसकी संरक्षक बनी रानी झिंदन, और जो वजीर बना वो बना लाल सिंह। कहा जाता है लाल सिंह और रानी झिंदन के बीच में संबंध थे, मतलब उनकी प्रेमिका थी, और जो वजीर बना वो बना तेज सिंह। तो इसके बाद क्या हुआ कि अपने स्वार्थ के लिए ये रानी झिंदन और लाल सिंह हमेशा क्या करते थे कि जो सिख थे उनको अंग्रेजों के बीच में उलझाया रहते थे, और यही कारण हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का। ठीक, तो पहले शुरुआत करते हैं कैसे क्या घटना हुई, कैसे क्या हुआ, उस चीज की शुरुआत की जाती है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। तो शुरुआत हमने कैसे की थी, हमने क्या कहा था कि 1839 में पक्षघात के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी, रणजीत सिंह की। रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनके पुत्र खड़क सिंह को गद्दी पर बैठाया गया, और खड़क सिंह का जो वजीर बना वो कौन था, ध्यान सिंह था। कौन था, ध्यान सिंह। लेकिन कुछ समय बाद दरबार में जब विवाद हो गए तो खड़क सिंह को गद्दी से हटाकर ननिहाल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया। किसको, ननिहाल सिंह को। लेकिन जो ननिहाल सिंह था, हमने क्या कहा कि एक ये सिखों की ताकत को फिर से संगठित करने लगा और ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा,
और यही नहीं, ये जो डोगरा बंधुओं का जो प्रभुत्व था सिखों के दरबार में, उसका अंत करना चाहा। किसका अंत करना चाहा? डोगरा बंधुओं का। डोगरा बंधुओं में कौन कौन थे हमने आपको बताया, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुच्चा सिंह। ये तीनों को मिलाकर डोगरा बंधु कहा गया, जिनका प्रभुत्व सिखों के दरबार में था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि कुछ समय बाद ननिहाल सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद राजमाता चांद कौर गद्दी पर बैठती है। कौन गद्दी पर बैठता है? चांद कौर। लेकिन डोगरा बंधुओं ने चांद कौर को गद्दी से हटाकर शेर सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन कुछ समय बाद अजीत सिंह ने क्या किया कि शेर सिंह और ध्यान सिंह की हत्या कर दी। किसकी? शेर सिंह की और ध्यान सिंह की हत्या कर दी, जिसके बाद एक छोटे वर्ष का व्यक्ति, छोटे वर्ष का बच्चा दलीप सिंह गद्दी पर बैठता है। एक, दो, तीन, इनको तीन लीजिए, चार, और शेर सिंह के बाद गद्दी पर कौन बैठ रहा है? दलीप सिंह। और दलीप सिंह का जो वजीर था वो था लाल सिंह, और दलीप सिंह की जो संरक्षक थी वो थी रानी झिंडन। जिंदा भी कहा जाता है इनको, ठीक है, रानी जिंद कहा जाता है, रानी जिंदा कहा जाता है, रानी झिंडन भी कहा जाता है। ये इनकी संरक्षिका थी। कहा जाता है कि लाल सिंह और रानी झिंडन में, मतलब ये इनकी प्रेमिका थी वगैरह वगैरह, जो भी इतिहास के पन्नों में है। और इनका जो सेनापति बना ये वजीर थे, और दलीप सिंह का जो सेनापति बना वो कौन था? तेज सिंह था। मतलब चार वर्षों में चार शासक, एक, दो, तीन, चार, अगर चांद कौर को भी जोड़ा जाए तो पांच, मतलब चार वर्षों में चार शासक और चार वजीर बदले गए। और ये किस चीज को दर्शाते हैं? साम्राज्य के पतन को। और अगर साम्राज्य का पतन है तो लॉजिक सी बात है कि सामने वाला इसका जो है पक्का लाभ उठाएगा, और अंग्रेज कभी भी लाभ उठाने में पीछे नहीं हटते। देखिए दोस्तों, प्रमोशन वीडियो मतलब यह नहीं होता है कि हम आपको एडमिशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रमोशन वीडियो मतलब यह होता है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हां, हम लोग भी क्या है, आपके साथ मेहनत करते हैं। चीजों को देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध आप देखिए, आंग्ल सिख युद्ध देखिए। अभी आप बहुत लोग क्या सोच रहे हैं, अभी तो फॉर्म नहीं आया, क्या करेंगे देखकर? क्यों आईएएस का फॉर्म नहीं भरेंगे आप लोगों ने? जो पीसीएस तैयारी कर रहे होंगे वो आईएएस ऑब्वियसली डाले होंगे, 90% 98% लोग डालते हैं। ये आरओ की तैयारी नहीं कर रहे होंगे अगर 2016 के हैं आप। तो चीजों को समझिए दोस्त, हम आपके साथ अगर हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, आप लोग हमसे ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं क्योंकि आप कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन चीजों को हम जो करते हैं आपके लिए ही करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमें कोऑपरेट करें, चीजों को देखें। तो चार वर्षों में चार राजा और चार वजीर बदले गए, और रानी झिंडन और ये लाल सिंह, क्योंकि लाल सिंह जो था ये खालसा की अनुमति से, मतलब दया पात्र से वजीर के पद पर आया था, इसलिए इसको डर था कि कभी खालसा लोग इसको गद्दी से हटा ना दे। यही कारण है कि लाल सिंह और संरक्षक रानी झिंडन अपने स्वार्थ के लिए हमेशा सिखों को अंग्रेजों में उलझाए रहती थी, मतलब सिख और अंग्रेज के युद्धों का कारण बनवाती थी, और यही कारण को जन्म दिया प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। क्योंकि तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था जो लड़ा गया किसके शासनकाल में? हार्डिंग शासनकाल में। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध,
देखिए, प्रथम अंग स्वीकृत हुआ क्यों, रीजन क्या था कि जैसे हमने कहा कि अमृतसर की संधि की वजह से केवल दक्षिण तक, सतलज के दक्षिण तक का अधिकार था रणजीत सिंह के साम्राज्य का, लेकिन कुछ सिख थे जो 1845 में हरके और कसूर से होते हुए सतलज नदी की सीमा को पार कर दिए, जिसके बाद हार्डिंग द्वितीय ने युद्ध की घोषणा कर दी और यह कहा, क्या कहा, कि रणजीत सिंह के सतलज नदी के बाएं ओर के जितने राज्य हैं उनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसमें चार युद्ध हुए, सादुल का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, ठीक, अनिवाल का युद्ध और बोधवाल का युद्ध, लेकिन ये चारों निर्णायक युद्ध नहीं थे। इसमें कहा जाता है कि लाल सिंह और रानी छिंदन, ठीक है, और सेनापति तेज सिंह जो थे, इनके विश्वासघात के कारण सिख लोग हार गए। कौन हार गया? सिख लोग। 10 फरवरी 1846 को जो सबराव का युद्ध हुआ था, पांचवा युद्ध, वो एक निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसमें सिख पराजित हुए और 1846 को लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि के बाद से ही क्या हुआ, ये समझ में आ गया कि जो अंग्रेज हैं अब वो रणजीत सिंह के साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि लाहौर की संधि के तहत ही कई सारी बातें हुई, जैसा कि यह हुआ कि लाहौर में अंग्रेजी रेजिडेंस रखना पड़ेगा, जो अंग्रेजी रेजिडेंस लाहौर का बना वो था हेनरी लॉरेंस। सिखों की सेना जो है वो कम करके 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार कर देना था। उसके साथ साथ क्या है कि 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना देना था, क्योंकि सिखों के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए व्यास से लेकर सिंध तक के प्रांत को अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया। और सबसे बड़ी खास बात क्या हुई कि अब अंग्रेजों को लाहौर में आने जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन यह संधि ज्यादा दिन तक नहीं हुई, टिकी। दिसंबर में भैरोवाल की संधि हुई और भैरोवाल की संधि के तहत क्या किया गया कि कश्मीर में विद्रोह का आरोप लगाकर लाल सिंह और रानी जिंदन को पद से हटा दिया गया और हेनरी लॉरेंस ने 8 सिक्कों की समिति बनाई जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे और रानी जिंदन को 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन की दर से बनारस भेज दिया गया, और जिसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया। क्लियर? तो लिखा जाए, इसको पढ़ा जाए। चलिए, हमने क्या कहा, 11 दिसंबर 1845 को हरके और कसूर के बीच से, हरकिर और कसूर जगह का नाम है, के बीच से होते हुए सतलज नदी पार करके, चूंकि संधि का उल्लंघन हो रहा है, सतलज नदी पार करके सिख लोग भारत की तरफ बढ़े, और इस समय गाफ की नेतृत्व में सेना भेजी गई। किसके नेतृत्व में? गाफ के नेतृत्व में, और हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा कर दी और इसने कहा कि, समझिएगा, सतलज नदी के बाईं ओर के जितने राज्य हैं, सतलज नदी के बाईं ओर के राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने क्या कहा कि इसमें चार युद्ध हुए थे, ठीक, कितने युद्ध हुए थे? चार युद्ध हुए थे, मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, अनिवाल का युद्ध और बोधीवाल का युद्ध। ये चारों युद्ध जो थे ये निर्णायक नहीं साबित हुए। इसके बाद 1846 में सबराव का युद्ध हुआ, ठीक, सबराव भी मिलता है, सबराव भी मिलता है, कोई कंफ्यूज मत होइएगा। सबराव का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और 1846 में लाहौर की संधि हुई। किसकी संधि हो गई? लाहौर की संधि। हमने क्या कहा कि लाहौर की संधि जब हुई तो
तो इस समय कई सारी बातें हमने बताई, जैसे अंग्रेज लाहौर जा सकते थे, लाहौर में अंग्रेजी रेसिडेंस रखना रहता है। विश्वासघात किसने किया? तो विश्वासघात करने वाले थे तेज सिंह अपने स्वार्थ के लिए, तेज सिंह और लाल सिंह, इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए विश्वासघात किया था। खैर, सिखों की सेना में कमी कर दी गई, 20,000 और 12,000 घुड़सवार कर दिए गए, 20,000 पैदल सैनिक कर दी गई, 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना देना हुआ। जुर्माना नहीं हो पाया तो व्यास से लेकर सिंध तक के क्षेत्र को 1 करोड़ रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया गया, और जो अंग्रेजी रेसिडेंस लाहौर में रखी गई थी उसका जो लेफ्टिनेंट बनाया गया था वो कौन था? हेनरी लॉरेंस। कौन था? हेनरी लॉरेंस। ठीक, तो ये लाहौर का, लाहौर के रेजिडेंस का लेफ्टिनेंट था हेनरी लॉरेंस। लेकिन ये संधि ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी, क्योंकि अब अंग्रेज समझ गए थे कि जो सिख शक्ति है वो पूर्ण रूप से कमजोर हो रही है। यही अच्छा मौका है कि फायदा उठाकर सिख समुदायों पर या लाहौर पर कब्जा कर लिया जाए। जो विशाल सेना बनाए थे रणजीत सिंह ने, आपसी स्वार्थ के लिए इन लोगों ने सारी की सारी चीजों को बर्बाद कर दिया। और हुआ क्या कि दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? भैरोवाल की। और भैरोवाल की संधि के पहले ही क्या हुआ कि लॉरेंस ने रानी झिंडन और लाल सिंह पर कश्मीर विद्रोह का आरोप लगाकर उनको पद से हटा दिया गया, और रानी झिंडन को 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन की दर से, रानी झिंडन को 1.5 लाख रुपए पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। यह सवाल पूछ सकता है आपको, थोड़ा डीप जाएगा, कि प्रथम वार्षिक युद्ध के बाद रानी झिंडन को कहां भेजा गया? तो उनको कहां भेज दिया गया? बनारस। और भैरवाल की संधि हो गई, भैरवाल की संधि के बाद 8 सिख समुदायों या 8 सिखों की समिति बैठी या समिति बनी जो अंग्रेजों के लिए वफादार थे, और उसका प्रमुख कौन बना? हेनरी लॉरेंस बना। और जब उसका प्रमुख हेनरी लॉरेंस बना तो लाहौर पे धीरे 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 इनका क्या होता गया? अधिकार होता गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अगर आपको यह जानना लाहौर की संधि हुई कब थी, तो यह 9 मार्च को हुआ था, भैरोवाल की दिसंबर 1846 में। मुद्दा यह है कि अगर कहा जाए तो सिख जो थे वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद ही समाप्त होने के कगार पे आ गए थे। तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध क्यों हुआ? दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होने का रीजन यह था कि अभी पूरी तरह इस पर अधिकार नहीं हुआ था, और दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का जो गवर्नर जनरल बन गया था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और आपको पता है कि जो लॉर्ड डलहौजी था वो एक साम्राज्यवादी शासक था। उसे सिर्फ और सिर्फ भाई राज हड़प नीति उसकी थी, जिसको आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या गोद हड़प नीति कहते हैं, जिसके तहत वो कई सारे राज्यों का विलय किया। डलहौजी हो गए, कर्जन हो गए, वेलेसली हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ, लॉर्ड लिटन हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आए, और साम्राज्य का विस्तार ही करना चाहे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो धीरे धीरे ये होने लगा कि हेनरी लॉरेंस जो था वो अंदर अंदर भाई ब्रिटिश रेजिडेंस का, वो वहां पर लेफ्टिनेंट बन गया लाहौर का, और ब्रिटिश रेसिडेंट रखना अनिवार्य भी हो गया सिखों के लिए। तो वो अंदर अंदर क्या हुआ कि सिखों के सैनिकों को धीरे धीरे कम करने लगा, और लगभग उसने 10,000 सैनिकों को पद से हटा दिया। ऑलरेडी लाहौर की पहली संधि से जो इतनी विशाल सेना रणजीत सिंह जी ने बनाई थी उसको करके 20,000 और 12,000 घुड़सवार कर दिया था, अब उसको उस सेनाओं में से भी 10,000 को क्या किया गया? हटा दिया गया। रीजन यह था कि सैनिक जितने कम रहेंगे अंग्रेजों के पास अधिकार करने का उतना ही प्रभुत्व बनेगा।
फिर थोड़े समय बाद क्या हुआ कि मूल राज जो मुल्तान के थे, राजा कह लीजिए या गवर्नर कह लीजिए, मूल राज को गद्दी से हटाकर मुल्तान की दुर्ग पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से सिखों में आक्रोश हुआ और उन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में जो पहला युद्ध हुआ वो रामनगर का युद्ध हुआ, जो कि निर्णायक नहीं था। ठीक, दूसरा जो था वो सादुल का युद्ध था, वो भी निर्णायक नहीं हुआ। तीसरा युद्ध जो चिलियावाला का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजों की बहुत क्षति हुई। उसके बाद डलहौजी ने नेपियर, चार्ल्स नेपियर को भेजा, और गुजरात का युद्ध हुआ जिसे तोपों का युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें सिख पराजित हुए और पंजाब का, मतलब लाहौर पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, उसका विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया। दलीप सिंह को क्या किया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया डॉक्टर लगून के संरक्षण में। और डॉक्टर लगून के प्रभाव में आकर दलीप सिंह ने क्या किया था, ईसाई धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन बाद में जब वो वापस लौटे तो वो पुनः सिख धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर लिए, और इनकी मृत्यु पेरिस में हुई थी। और मूल राज पर केस चलाकर उनको मृत्युदंड दे दिया गया, जिसके बाद क्या हुआ कि अद्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का अंत तो हुआ, और सिख साम्राज्य का पूर्ण रूप से क्या हो गया, पतन हो गया। हमने क्या कहा था कि हेनरी लॉरेंस को लाहौर का क्या बनाया गया था, बिल्कुल सही। हेनरी लॉरेंस क्या कर रहा था, अंदर ही अंदर सिखों की सेना में कमी कर रहा था, और इसी के चलते इसने लगभग 10,000 सैनिकों को पद से हटा दिया था। ठीक, लेकिन उसके बाद अंग्रेजी रेजिस्टेंस ने मुल्तान के गवर्नर मूल राज को, कहां के गवर्नर, मुल्तान के गवर्नर मूल राज को गद्दी से हटा दिया, और मुल्तान के दुर्ग पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद सिख लोग काफी नाराज हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। 22 नवंबर 1848 को रामनगर में सिखों की सेना और गाफ के बीच में युद्ध हुआ। इसका कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई निर्णायक युद्ध नहीं निकला। फिर दिसंबर 1848 में सादुल का युद्ध हुआ, जिसमें सिख सेना पीछे हट गई। और सिख सेना पीछे हट गई मतलब इस भी क्या हुआ, इस भी युद्ध निर्णायक नहीं रहा। फिर जनवरी 1849 में झेलम नदी के किनारे चिलियावाला का युद्ध हुआ, और चिलियावाला के युद्ध में अंग्रेजों की सर्वाधिक क्षति हुई। अंग्रेजों की सर्वाधिक क्षति हुई। इसके बाद डलहौजी जो था वो पहले से निश्चय कर लिया था कि वो संपूर्ण सिख समुदाय, मतलब सिख साम्राज्य का अंत कर देगा। यही रीजन था उसने फरवरी 1849 को गुजरात का युद्ध हुआ, जिसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं। किसका, तोपों का युद्ध। और इसमें गाफ की जगह चार्ल्स नेपियर को भेजा गया, और इस युद्ध में सिख पूर्ण रूप से पराजित हुए। इतने युद्धों के बाद भी निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ, बिल्कुल सही, गुजरात का युद्ध। इस इसके पहले वाले में मैंने बताया चार युद्ध लड़े गए, ठीक है, सुदकी हो गया, फिरोज शाह हो गया, बोधवाल हो गया, अनिवाल हो गया, लेकिन निर्णायक युद्ध कौन सा था, बिल्कुल सही, ठीक है, सबराव का युद्ध था। सेम उसी प्रकार क्या है, इसमें भी रामनगर का युद्ध था, सादुल का युद्ध था, चिलियावाला का युद्ध था, लेकिन
जो गुजरात का युद्ध था यह निर्णायक युद्ध हुआ और इसमें सिखों का क्या हुआ, वो अंतिम रूप से परास्त हो गए, जिसके बाद मूल राज पर मुकदमा चलाकर इनको मृत्युदंड दे दिया गया और दलीप सिंह को डॉक्टर लगून के संरक्षण में इंग्लैंड भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? इंग्लैंड। और दलीप सिंह जो थे ये डॉक्टर लगून के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म अपना लिए थे, लेकिन जब ये अपनी मातृभूमि वापस लौटे तो ये फिर से क्या हुआ कि अपने सिख धर्म में परिवर्तित हो गए। और दलीप सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो कहां हुई थी? पेरिस में हुई थी, आंग्ल मैसूर लास्ट क्लास में, और आंग्ल सिख युद्ध इस क्लास में खत्म हो गया। चीजों को समझिए, कितने भी युद्ध, जितने भी युद्ध भारत में हुए हैं तो किसी ना किसी धोखेबाजों की वजह से हुए हैं। जैसे यहां पर लाल सिंह, तेज सिंह, रानी झिंडन थी, अगर वो धोखा नहीं की होती तो सोचिए उनको उनकी गद्दी से हटाया भी नहीं जाता। 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया, जो संपूर्ण साम्राज्य की मालकिन थी। बाद में लॉरेंस ने या डलाउजी ने उनके पेंशन को 1.5 लाख से 48 हजार कर दिया था, इतना कम, जो जैसा करता है वैसा मिलता है। और इसी के साथ सिख युद्ध खत्म हो गया। मतलब जो गुरु नानक, बाबर के समय से बंदा बहादुर, ठीक है, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, रणजीत सिंह, जो इतने बड़े समुदाय को इतने अच्छे से लेकर आए, लास्ट में कुछ लोग अपने स्वार्थ की वजह से पूरा का पूरा सर्वनाश कर दिए और इसका विलय किसमें हो गया? अंग्रेजी साम्राज्य में। पीसीएस की क्लास है और आप जानते हैं हमारी संस्था के द्वारा पीसीएस के बैच रन किए जा रहे हैं काफी दिन से, काफी अच्छे खासे एडमिशन हो गए हैं, चीजों को सब बच्चे पढ़ भी रहे हैं ढंग से, चीजों को चलाया भी रहे हैं। तो हमारे बैच से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा एक ही काम करना है, अपने व्हाट्सएप पे UPPCS प्री कम मेंस लिखना है एंट्री लिखकर, और 9918000454 पर क्या कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है। आप संस्था के द्वारा आपको बैच से जोड़ लिया जाएगा और आप हमारे रेगुलर क्लास के हिस्सेदार बन जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे एक महान शासक के बाद लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने राज्य को, साम्राज्य को दूसरे के हाथों बेच दिया। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, उसके बाद जो था वो तृतीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही, हम फिर किसी दिन किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप देखेंगे तो हमारे व्यूज बढ़ेंगे, नहीं, ये सबसे मतलब नहीं, आप देखेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, हम खुद देखते हैं हमारी नॉलेज खुद बढ़ती है। चीजों को देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, वैकेंसी की बाहर आने वाली है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप मेहनती हैं तो आप हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि हम सब मेहनती हैं। सेहत का ध्यान रखिएगा और होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। हम फिर मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।